बेटा समायरा, देखना तुम्हारे नाम पे कोई लेटर आया है। कितना पार्किंग का? 50 रुपये या बाइक का ध्यान रखिए। हाय अरमान, समारा आप यहाँ? हाँ, वो कल एक लेटर आया था। लिखा था जिंदगी बदलने वाली है, और टाइम और एड्रेस भी लिखा था, तो सोचा एक बार देख के आ जाती हूँ। अरे सेम, मुझे भी आया था। अबे मुझे भी, सबको यही आया था क्या? तो ऐसा क्या हुआ कि सब मैसेज देख के आने पे मजबूर हो गए? यार घर पे वैसे ही कुछ नहीं हो रहा था, वही सोशल मीडिया सेल्फीज। तो देखते हैं क्या खास है। तो यार अपना भी ना कुछ ऐसा सही है, लाइफ, ऑफिस वर्क, स्ट्रेस, लाइफ में कुछ हैपनिंग्स ही नहीं हो रहा था। फिर ये लेटर मिला तो अंदर से आवाज आई कि एक बार ट्राई देना चाहिए। हाँ यार, मैं भी कुछ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढने आया था। हाँ यार, वही फिल्मी स्टाइल में लेटर आया था, सोचा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ट्राई कर लिया जाए। सबकी स्टोरी कितनी सेम है ना, क्योंकि हम सबको यहाँ सेलेक्ट करके बुलाया गया। अब मुझे नहीं लगता कि अब और कोई आने वाला है। लेकिन तू इतना श्योर कैसे है? लॉजिक ब्रो, सबकी स्टोरी सेम, सबको ही कुछ हैपनिंग सा चाहिए था, और सबको ही 12 बजे का टाइम दिया था, तो जिसको आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। क्या मतलब वो आ चुका है? हमारे अलावा यहाँ कोई और दिख भी नहीं रहा है। बात तो ठीक कर रही है, चलो मैं एक बार देख के आता हूँ। ठीक है। यार देख लेना आसपास, कहीं हिडन कैमरास ना लगा रखे हों किसी ने।
पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई हमें देख रहा है यार। अबे यार तुम लोग इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? कौन से शहर से बाहर आ गए हम? अभी एक फोन करूंगा ना, 10 लड़के आ जाएंगे यहीं। यार यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा, मैं ऑलरेडी कॉल ट्राई कर चुकी हूँ यार, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। हाँ यार ये सही बोल रही है, यहाँ नेटवर्क नहीं है। भाई ड्रा क्यों रहे यार, अभी तो जिंदगी में कुछ देखा भी नहीं है। पैनिक मत कर, छुट्टी हो गया। क्यों ना डरे वो, इट्स अ ट्रैप और अब हम सब फंस चुके हैं इसमें। क्यों फालतू बकवास कर रहे हो यार, किसी ने प्रैंक ही तो किया होगा, चलो वापस चलते हैं। हाँ ये सही बोल रही है, जिसे चलना है वो चले, जिसे नहीं चलना वो ना चले। मैं तो जा रही हूँ। क्या हो गया? लॉक है यार ये। ब्रो इट्स अ गेम और अब हम सब इसका हिस्सा हैं। आर यू मैड और व्हाट? तो दिख नहीं रहा, ये लोग पैनिक कर रहे हैं। हाँ यार घर वालों को बता के भी नहीं आई, उन्हें फिक्र हो रही होगी। मुझे तो लगता है इन सब में इसी का हाथ है। तो दो लगाओ से कान के नीचे, अभी तोते की तरह सब सा चुक गया। मुझे पता है ये तेरा ही काम है। क्या मेरा काम है बे? मैं भी तुम लोगों के साथ यहाँ आया हूँ, जैसे तुम्हें लेटर मिला ना वैसे मुझे भी मिला है। वो थोड़ा क्राइम पेट्रोल ज्यादा दिखता हूँ तो दिमाग ज्यादा चलता है। भाई मैं बता रहा हूँ ये बातें बना रहा है, चेकिंग करो इसकी। क्या चेकिंग करो बे? चेकिंग होगी तो सबकी होगी, मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों पे। ठीक है करो चेकिंग। ये क्या? अरे ये तो पार्किंग सीट है यार, बाइक खड़ी की थी। गाइस मैंने कुछ देखा था ऊपर। कहाँ देखा था? वो टीवी के ड्रॉअर के नीचे। Now you are a part of a game. अगर यहाँ यहाँ से जाना नीट है तो यहाँ आना क्या था? Rules no rules. तुम यहाँ क्यों हो ये पता करने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा है। पता करो नहीं तो सब मरो। Time started 12 PM. Oh fuck. It's 12:45. सारे राज छिपी है जिंदगी यहीं कहीं आसपास, या तो सब मरोगे या एक जाओगे। क्या कोई एक जानता है इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं हूँ? तो और कौन है? ये साले ड्रामा कर रहा है, इसे पहले से पता था ये गेम है। अबे तुमने प्यार से बात क्यों कर रहे हो इससे? लगाओ ना दो कान के नीचे। अबे यार मैं क्यों झूठ बोलूंगा और मैं क्यों मानना चाहूंगा तुम्हें, मैं भी तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ यार। ग्रीड लालच। अरे हाँ पता है ग्रीड मतलब लालच। अरे यार यहाँ पहले दिमाग काम नहीं कर रहा। गाइस अगर बाहर जाना नीड है तो अंदर आना ग्रीड हो सकता है। पागल हो गई तू, यहाँ आने में क्या लालच? गाइस गाइस वो ठीक बोल लिए, हम यहाँ क्यों आए? साला हम सबको कुछ हैपनिंग से चाहिए था, कुछ इंटरेस्टिंग, इसीलिए जहाँ हमने पढ़ा जिंदगी बदलने वाली है, हमारा लालच हमें यहाँ ले आया। एग्जैक्टली भाई इतना हैपनिंग भी नहीं चाहिए था। हाँ यार मैं कुछ ज्यादा ही बदल गई। ज्ञानवान ज्ञानवान सागर। भगवान एक बार यहाँ से बाहर निकाल दो, दोबारा यहाँ कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। गाइस तुम लोग पैनिक क्यों कर रहे हो? अबे भाई मरने वाले हैं, तू चाहता क्या है? गाइस देखो यार अगर रिलैक्स रहेंगे ना तो कुछ फोकसली सोच पाएंगे। गाइस अब सिर्फ 8 मिनट बचे हैं यार। सालो तुम सब तो बच जाओगे, सर मैं मर जाऊंगा। तो पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे मर जाएगा? उसमें साफ साफ लिखा है कोई एक जाएगा बाहर। अरे इसका मतलब तो ये है ना कि सब मर जाएंगे, एक ही जाएगा। गाइस तुमने ठीक से पढ़ा नहीं सर, उसमें साफ साफ लिखा था या तो सब मरोगे या एक जाओगे, मतलब एक होकर जाओगे, ये नहीं कि एक ही जाएगा। आये सही बोल रहा है, अगर यहाँ से निकलना है
तो सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अब तो 6-7 मिनट ही बचे हैं बस, क्या कर लेंगे हम? हमें तो ये भी नहीं पता क्या करना है। सवेरा ये पेपर देना। सब ठीक हो जाएगा यार। यार चुप हो जा यार, 2 मिनट के लिए थोड़ा सोचने दे मुझे। मतलब हम सब मरने वाले हैं? कुछ नहीं होगा। क्या क्या दोबारा बोलना। तुम ऐसे किसी के पास है रात सभी छिपी है जिंदगी यहीं कहीं। मतलब हम लोगों के पास कुछ तो ऐसा है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो क्या हो सकता है? अरे अभी तो चेक किया था सबको, कुछ नहीं मिला। मैं टाइम निकलता जा रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं। आज का दिन ही मनुष्य था, मम्मी ने मना भी किया था। कुछ भी तो नहीं मिला यार, बस इसकी जेब में एक पर्ची थी। क्या? आराम है जा, जवाब छिपा वहाँ। ये बता, तेरी जेब में ये पर्ची आई कहाँ से? यार वो तो मुझे बाहर गार्ड ने पार्किंग स्लिप दी थी, मुझे क्या पता इसमें ऐसा कुछ है यार। मैंने तो ऐसी जेब में रख ली थी। गाइस यार ये चुप नहीं हो रही है, मैं इसको बेड पे लिटा देती हूँ, थोड़ा आराम कर लेगी। कोई नहीं बचेगा यार, फटी पड़ी है और तुमको आराम करना है। आराम बैठ। अब इन दोनों की क्या हो गया? यार मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक काम कर, तू भी आराम कर, चलो उनको देख के आते हैं। तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो? आराम है वहाँ, जवाब छिपा है वहाँ। सोफे बेड और जितना भी है सब सामान ढंग से चेक करियो। गाइस एक और पर्ची मिली है। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है यार, जल्दी पढ़ उसको। जिंदगी भर चीजें तो बहुत संभाली, अब जिंदगी बिखर रही है तो संभालने का टाइम नहीं। यार अब इसका मतलब क्या है? इसको मारने तो सीधे मार देना, तड़पा क्यों रहा है? पागल हो गया क्या? अलमीरा चेक की गाइस, जिंदगी भर चीजें संभालते रहे, मोस्टली चीजें हम अलमीरा में रखते हैं ना, मे बी अलमीरा हो। हाँ हो सकता है। अरे यार भाई ठीक से देखना, अब बहुत कम टाइम बचा है। देख तो रहा हूँ यार। गाइस वहां देखो एक और पेपर। धरती से 1 फीट ऊपर मौत का साया है, बचपन की बहुत सी यादों को वहां चिपकाया है। यार परेशान हो गया यार इन चीजों से, चैन से जीना चाहता था, चैन से मर भी नहीं सकता। हाँ यार लाइफ के कुछ आखिरी पर भी सुकून से नहीं जी पाए। गम रहेगा तो बस इस बात का कि आखिरी बार भी मैं अपने फैमिली से नहीं मिली, झूठ बोल के आई। मुझे भी अपने माँ बाप के लिए गले लगा सपने। जिंदगी भी क्या है ना यार, अपनों के साथ जी भी नहीं पाए पर मर उनके साथ रहे जिन्हें जानते भी नहीं। माँ पापा कैसे जिएंगे यार मेरे बिना, उनका तो इकलौता सहारा भी माँ। साला जिंदगी में हमेशा हर चीज पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता रहा है, बस आज बच जाओ फिर साला कभी शॉर्टकट ही नहीं मारूंगा। जिंदगी के कुछ आखिरी पल बचे हैं और सही बताऊं तो मुझे डर भी नहीं लग रहा है, मतलब बचपन याद आ रहा है यार, कैसे मैं अपनी माँ को तंग किया करता था। बैठ के नीचे चिंगम चुप जाता था और भाग जाता था, फिर पूरे दिन भर मम्मी मुझे भाग भाग के मारा करती थी। क्या चिंगम बैठ?